हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। फर्स्ट हमारा आर्टिकल है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, फीवर है जो कि एक पर्टिकुलर वायरस से हो रहा है, जो कि एक पिग के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एक स्वाइन के अंदर में एक वायरस है जिसके कारण एक फीवर हो रहा है, तो उसके बारे में न्यूज़ आई है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ के बारे में देखेंगे। हांगकांग के द्वारा डिसाइड किया गया कि 6000 जो पिग होंगे उनको किल किया जाएगा उनके द्वारा, जब उन्होंने डिटेक्ट किया कि इस एनिमल के अंदर में, जहाँ पर स्लॉटर हाउस है वहाँ पर डिटेक्ट किया गया कि इसके अंदर में वायरस पाया जा रहा है, ASF वायरस इसके अंदर में पाया जा रहा है जो कि चाइना बॉर्डर के नज़दीक है। तो हांगकांग के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या चीज़ है। तो फर्स्ट, कोई भी बीमारी हो उसके बारे में पता होना चाहिए किस चीज़ से कॉज हो रही है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो फीवर, इसका फीवर होगा इसके अंदर में जिसका कॉज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। तो वायरस के कारण ये बीमारी हो रही है। किस किस के अंदर होगी, होस्ट कौन होगा इसका जिसके अंदर ये बीमारी नॉर्मली देखने को मिलेगी, ह्यूमन को बाद में फैलेगी लेकिन नॉर्मल किसके अंदर होगी। नेचुरल होस्ट होगा इसका पिग, सुअर, वाट हॉग जो कि सुअर की तरह ही देखने वाला एनिमल होता है, और एक बुश पिग जो कि एक पिग की ही अलग सी स्पीसीज है, इसी के अंदर आ रहा है। तो ये सब पिग की तरह देखने को मिलेंगे, इनके अंदर में ये देखने को चीज़ हमें मिलेगी। अब ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफ़र कैसे होगी, इनको जब होगी वाइल्ड के अंदर या जो आपने स्लॉटर हाउस के अंदर पालतू पाले हुए हैं उनके द्वारा, जब ह्यूमन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा सिक एनिमल या ऐसा हेल्दी एनिमल जिसके अंदर में वायरस है अभी इस टाइम, या इनडायरेक्टली कंटेमिनेट होगा फीड से या कंटेमिनेटेड क्लोथिंग, उनसे अगर ह्यूमन बीइंग कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये वायरस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा और ह्यूमन को बीमार करेगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है वेक्टर। वेक्टर वो चीज़ जो जनरली खुद अफेक्ट नहीं होता, ऐसी कोई स्पीसीज़ जो कि खुद अफेक्ट नहीं होगी लेकिन वो ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होगी उस वायरस को दूसरे के अंदर में। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट टिक, तो एक टिक जो खून चूसेगी वो इसका वेक्टर है। अब इसके अंदर में अगर वायरस टिक के अंदर आता है तो टिक अगर हमारे पिग के ऊपर जाएगी तो पिग को ये ट्रांसपोर्ट करेगी इसको, उसके बाद पिग ह्यूमन बीइंग को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल बनाएंगे। तो सॉफ्ट टिक आपको याद रखना है, टिक के अंदर में भी दो टाइप की टिक्स होती हैं, एक सॉफ्ट एक हार्ड। तो ये इनके बाहर वाला जो स्केल्टन होता है वो सॉफ्ट हार्ड उसके बेस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो ये सॉफ्ट वाली टिक की बात हो रही है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो वायरस से हो रही है, पिग इसका नेचुरल होस्ट है, ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वेक्टर है इसका टिक। और अफ्रीकन क्यों बोला गया, बिकॉज ये वाला जो वायरस है ये एंडेमिक है, उसी रीजन के अंदर मिलता है, सब सहारा अफ्रीका वाले रीजन के अंदर में। लेकिन जब यूरोपियन की एंट्री होती है यहाँ पे, वहाँ से एनिमल जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो एनिमल लेके आएंगे, उनके साथ ये जो था वायरस ट्रांसपोर्ट हो जाता है यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और अदर एरियाज के अंदर में भी, और आजकल काफ़ी एरियाज के अंदर में पाया जाता है। सिम्टम क्या होंगे, फीवर होगा आपको, एक वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, रेडनिंग ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए अभी तक, ना कोई वैक्सीन है पर्टिकुलर वैक्सीन जो कि इसको ट्रीट कर पाए। तो इसको एक तो इम्यून सिस्टम खुद मारेगा और दूसरा आप सिम्टम ट्रीट करोगे इसके, जैसे आपने फीवर के लिए टेम्परेचर को डाउन करना है उसके लिए एंटीपायरेटिक्स दोगे, वॉमिटिंग रोकने के लिए, डायरिया रोकने के लिए उसको आप क्योर करोगे। तो फर्स्ट हुआ, सेकंड आया हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट्स। तो यूएन के द्वारा, यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा अपॉइंट किया गया 17 ग्लोब के अंदर में ऐसी फिगर को जो कि प्रमोट करेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 के अंदर में बोला गया कि 2030 तक इनको अचीव करेंगे, उनको एडवोकेट करने के लिए अब उनके लिए इनके द्वारा 17 न्यू फेसेस ढूंढे गए, और ये अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद करना है इंडिया के अंदर कौन है। ये जो एडवोकेट होंगे ये यूनिवर्सल करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अंदर में गवर्नमेंट से, एंटरटेनमेंट से, एकेडमिया, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हर जगह से आपके पर्सन आएंगे। इंडिया से आती है दिया मिर्जा एंड चाइना से जैकमा। तो बस इंडिया चाइना याद कर लेना, बाकी छोड़ो। नेक्स्ट न्यूज़ आती है ब्लू मून की तरफ से। तो जेफ बेजोस जो कि अमेजोन कंपनी के हेड हैं और स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन के हेड हैं, उनके द्वारा अनवेल किया गया एक नया लूनर लैंडर जिसका नाम है ब्लू मून। तो क्या इनके द्वारा अनवेल किया गया, इस टाइप का यहाँ पे ये एंड इस टाइप का एक सिस्टम जिसको बोलेंगे लैंडर। तो लैंडर हमने देखा था जब चंद्रयान 2 देख रहे थे, एक होता है रोवर जो कि रोव करेगा, अगर उसको आप डालोगे मून के सरफेस के ऊपर तो उसमें 6 टायर होंगे और वो मूव करता हुआ जाएगा। लैंडर जो होगा इस टाइप की, उसमें हाथ होंगे जैसे इसमें दिख रहे हैं, ये एक जगह पे जहाँ पे बैठेगा वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा अनवेल किया गया और बोला गया कि मून का जो साउदर्न पोल है हम वहाँ पे 2024 के अंदर में इसको लैंड करने की सोच रहे हैं, और इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ह्यूमन के लिए कैप्सूल बनाए जा सकते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, साइंटिफिक इक्विपमेंट या वहाँ पे रहने के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस लेके जा सकते हैं। तो 2024 के अंदर में रखेंगे और इनके द्वारा बोला गया हम कॉलोनाइज करेंगे स्पेस को, यहाँ से मून से हम फिर अदर जो टेरिस्ट्रियल एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हमारा स्पेस है उसके अंदर में आप भेज सकते हो अदर चीज़ें, मून से काफ़ी इजी रहेगा ये सारी चीज़ें। तो क्या बोला गया इनके द्वारा, एक तो ब्लू मून आपको याद रखना है क्या चीज़ है, एक लैंडर है,
अब टारगेट है इनका कि इस लैंडर को हमने, जिसका नाम ब्लू मून है, इसको साउदर्न पोल के ऊपर, मून के साउदर्न पोल के ऊपर 2024 तक हमने पहुंचाना है। और इसके अंदर में हम ह्यूमन बीइंग को लेके जा सकते हैं, या इक्विपमेंट लेके जा सकते हैं, या घर बना सकते हैं मून के अंदर में, उसके लिए इक्विपमेंट लेके जा सकते हैं। साउदर्न पोल पे ही क्यों इसको लेके जाएंगे? बिकॉज वाटर फाइंड किया गया है साउदर्न पोल के ऊपर, वाटर आईसी फॉर्म के अंदर कन्फर्म किया गया है 2018 में। तो हम वहाँ से वाटर यूज़ करेंगे, वाटर को एक्सट्रैक्ट करके H2O हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर पाएंगे, और उसके बाद वहाँ से हम स्पेस क्राफ्ट बाहर भेज सकते हैं। इस व्हीकल के अंदर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी किए जा सकते हैं, 4 छोटे रोवर कैरी किए जा सकते हैं, रोवर जैसा हमें बता कि उसमें व्हीकल होंगे, व्हील्स होंगे सॉरी, और उसको हम मून के सरफेस के ऊपर दौड़ा सकते हैं साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए। और लैंडर तो सिर्फ लैंड करेगा उसके ऊपर, और उसी प्लेस के ऊपर ये कुछ काम कर सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है ये रोवर के लिए। वेट होगा 15,000 किलोग्राम के करीब जब ये उड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद अपना एक्स्ट्रा वाला वेट छोड़ के लगभग 7,000 पाउंड के करीब में बचेगा जब ये मून के सरफेस के ऊपर गिरेगा। नेक्स्ट आता है WHO की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर उनके द्वारा बोला गया कि शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हमारी कंट्री के अंदर हैं। तो WHO के द्वारा बोला गया इंडिया फेस कर रहा है शॉर्टेज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की शॉर्टेज फेस कर रहा है इंडिया। इंडिया के अंदर में अभी प्रेजेंटली लगभग 5 मिलियन वर्कर हैं, लगभग 50 लाख वर्कर हैं, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया शॉर्टेज फील कर रहा है। इसके अंदर क्या बोला गया कि वर्कर की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर में, लेकिन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो शहरों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा है, गांव के अंदर में कुछ भी नहीं होगा, उसी तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि क्रिटिकल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर में डाला गया इंडिया को हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग के लिए। और इंडिया को बोला इंडिया में लो डेंसिटी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। हमारी अदर कंट्री जैसे श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, UK, ब्राज़ील, इनके अंदर में जो डेंसिटी है हेल्थ केयर वर्कर की वो काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया के अंदर में काफ़ी कम है। इंडिया एक तो वास्ट कंट्री है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और हमारा नंबर थोड़ा कम है, उसके अलावा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर में। कुछ राज्यों के बारे में बोला गया जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको बोला गया इनके अंदर में काफ़ी ख़राब हालत है, और यही हमारे राज्य होंगे जहाँ पे पॉवर्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और कुछ हमारे एरिया जैसे दिल्ली, केरला, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे इन कंपैरिजन जो अब वाली स्टेट है, इनसे इन कंपैरिजन के अंदर में हमारी हेल्थ केयर अच्छी है, यहाँ पे वर्कर वगैरह अच्छे हैं, तो हमें और ज़्यादा वर्कर की आवश्यकता है। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बोला गया कि साउथ ईस्ट एशिया जिसमें इंडिया आता है, वहाँ पे 50% इंक्रीज आवश्यकता है हेल्थ केयर मैन पावर की 2030 तक, अगर हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज अचीव करनी है 2030 तक। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है क्लाइमेट एमरजेंसी के ऊपर। तो सेकंड कंट्री आ गई हमारी यूरोप में आयरलैंड, जिसके द्वारा क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। फर्स्ट थी ब्रिटेन, अब ये कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है जैसे इंडिया में डिक्लेयर करेंगे या किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये एक तरीके से सिंबॉलिक इमरजेंसी है। इसका मतलब कि वो अब कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अब काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्री पहुंच चुकी है और कुछ ना कुछ बड़े एक्शन उनको लेने पड़ेंगे। तो ब्रिटेन के द्वारा फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया जब उनकी कंट्री के अंदर में प्रोटेस्ट होते हैं, एक एक्सटिंक्शन रिबेलियन ग्रुप, एनवायरमेंटल ग्रुप था जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किए जाएंगे, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा सिंबॉलिक तरीके से डिक्लेयर कर देते हैं क्लाइमेट एमरजेंसी। अब इन्हीं को मॉडल करते हुए आयरलैंड के द्वारा भी क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, और पार्लियामेंट के द्वारा बोला गया कि अब आयरिश जो गवर्नमेंट है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, नए नए मेथड क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यूज़ किए जाएंगे इनके द्वारा। तो बेसिकली एक तरीके से सिंबॉलिक तरीके से बोला जा रहा है कि अब एमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर हमें एक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया वालिया ऑफ हिंद। तो कंटेक्स्ट के अंदर में इस्लामिक स्टेट के द्वारा क्लेम किया गया फर्स्ट टाइम दैट इंडिया में उनके द्वारा प्रोविंस एस्टैब्लिश कर ली गई है, जिसका नाम इनके द्वारा रखा गया वालिया ऑफ हिंद या विलाय ऑफ हिंद, समथिंग क्या होगा ये, वो इनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया के अंदर में प्रोविंस हमारे द्वारा बना दी गई। तो इंडिया के अंदर में जैसे कश्मीर के अंदर में एनकाउंटर चल रहे हैं, अभी सोपियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एनकाउंटर चल रहे हैं, उसी के कंटेक्स्ट के अंदर इनके द्वारा बोला गया कि वो हमारे पर्सन मारे जा रहे हैं वहाँ पे, और हमारी इंडिया के अंदर में एक प्रोविंस बन चुकी है। लेकिन इंडियन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बोला गया कि ये एब्सर्ड क्लेम है, और इंडिया के अंदर में किसी भी टाइप की इनकी कोई गवर्नमेंट या कुछ भी नहीं है, ये इसी टाइप से क्लेम कर रहे हैं बिकॉज सीरिया एंड इराक से इनको उखाड़ दिया गया, तो अब इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जहाँ पर ये बोल सकें हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, वैसे ही काम नहीं आएगी ये, तो थोड़े टाइम के अंदर में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज़ आती है स्मिथोपिस टेम्पोरेलिस, तो एक स्पीसीज है स्नेक की। जैसा हमने देखा था थोड़ा टाइम पहले कि एक पिट वाइपर की स्पीसीज, रेडिश पिट वाइपर की स्पीसीज ढूंढी गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अब हर्पेंटोलॉजिस्ट जो कि स्नेक और रेप्टाइल की स्टडी करते हैं, उनके द्वारा डिस्कवर की गई एक रेन लविंग स्नेक मिजोरम के अंदर में, इस स्नेक को जो कि रेन लविंग है उसको खोजा गया इनके द्वारा, और उसका साइंटिफिक नेम है स्मिथोपिस टेम्पोरेलिस। तो स्मिथोपिस टेम्पोरेलिस, इसका कॉमन नेम मिजो रेन स्नेक है क्योंकि मिजोरम के अंदर मिलता है और रेन से काफ़ी प्यार करता है ये।
तो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी मिजोरम के अंदर, नॉन वेनमस स्नेक है, मतलब जहरीला नहीं है, देखने से तो पता नहीं चलता बट जहरीला नहीं है, और प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक स्पीसीज है, ये पानी के अंदर मिलने वाली स्पीसीज है, और ये मिलती है हमें ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में देखने को मिलती है, जैसे ही रेन होती है उसके बाद में ये आता है ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आती है पैट्रियट सिस्टम के बारे में, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमें पता है ईरान और यूएस के बीच में टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, तो यूएस के द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। तो जिस तरीके से S-400 इंडिया परचेज कर रहा है, थार सिस्टम है, उसी तरीके वाला सिस्टम है पैट्रियट सिस्टम, जो कि इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए बना हुआ है। तो पैट्रियट सिस्टम की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री का है, यूनाइटेड स्टेट का। काम क्या करेगा, सरफेस से एयर मिसाइल वार करेगा, तो ये अटैक के काम आता है, सॉरी ये डिफेंस के काम आएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल से रोक सकता है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमें बचा सकता है, यूएस को बचा सकता है, और ये 1981 के अंदर ऑपरेशन के अंदर आया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री का सिस्टम है पैट्रियट सिस्टम। यही सिस्टम टर्की को भी ऑफर किया गया था, उनको बोला गया था कि आप S-400 जो रशिया से डील कर रहे हो उसको आप छोड़ दो और ये वाला सिस्टम परचेज कर लो। नेक्स्ट न्यूज़ आती है पेसमेकर से रिलेटेड, तो इसके अंदर आया कि यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अलर्ट किया गया कि जो बैटरीज यूज़ की जा रही हैं हमारे पेसमेकर के अंदर में, वो जो बैटरी जल्दी से ड्रेन कर जा रही है और उससे कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिया के अंदर में भी पेसमेकर जो लगाए गए थे हार्ट के अंदर में, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके बारे में न्यूज़ थी। अब आपको पता होना चाहिए पेसमेकर एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे उसमें चार मेन पार्ट आते हैं इस वाली पिक्चर में देखेंगे तो, एक तो एट्रियम, ऊपर वाले दो ऑरिकल आते हैं, दो वेंट्रिकल आते हैं नीचे वाले, तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो इनके अंदर में जो हार्ट पंप करेगा, जिस तरीके से हार्ट पंप करता है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हार्ट के अंदर में एक इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, अपना ही इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ता है हार्ट और बीट करता है एक अच्छे तरीके से। उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम साइनस नोड। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिखेगा ये है साइनस नोड। तो ये साइनस नोड ऑटोमेटिकली हार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जो कि जाती है हमारे हार्ट के जो ये एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट और वेंट्रिकल, इनके अंदर में जाएगी और ये पंप करेगा हार्ट। तो इस तरीके से जो नॉर्मल बीट होती है उसके, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है साइनस नोड। तो ये साइनस नोड क्या होता है, कुछ सेल होते हैं स्पेशलाइज सेल, उनके द्वारा इस तरीके से इकट्ठे होते हैं एक प्लेस के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है अभी, तो ये जनरेट करते हैं। अगर मान लो इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके हार्ट का जो रिदम होगा वो अलग तरीके से, कई बार फास्ट हो सकता है, फिर स्लो हो सकता है, मतलब एक नेचुरल रिदम आपका जो होगा, नॉर्मल रिदम नहीं बचेगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, एक डिवाइस डाली जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेज सके हमारे हार्ट को, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। साइनस नोड को बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। तो यहाँ पे राइट वाली पिक्चर के अंदर देखेंगे, यहाँ पे लगा हुआ पेसमेकर, यहाँ से इसको कनेक्ट किया है हमारे द्वारा। अब इसके थ्रू इसके अंदर में बैटरी होगी जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स छोड़ेगी हार्ट की बीट को मेंटेन करने के लिए। तो अब बोला गया, न्यूज़ के अंदर आया कि ये जो पेसमेकर है इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो रही है और ड्रेन आउट होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और एक कस्टमर की, जिसके द्वारा पेसमेकर ट्रांसप्लांट किया गया था, उस कस्टमर की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास न्यूज़ थी। पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको प्लेस किया जाता है चेस्ट में और एब्डोमेन के अंदर में, वो कंट्रोल करती है हार्ट का जो रिदम होता है, जैसे हार्ट पंप करेगा उसको कंट्रोल करेगी। ये डिवाइस यूज़ करती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजती है ये और प्रमोट करती है हार्ट बीट को, नॉर्मल रेट के ऊपर हार्ट बीट करे। और इसको यूज़ करते हैं हम एरिदमियास एक बीमारी है जिसको ट्रीट करने के लिए, जिसके अंदर में एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है। तो जो हार्ट के रिदम्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे इस बीमारी के अंदर में, और इसके अंदर में नॉर्मल जो हमारा पेसमेकर होता है उसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनस नोड, जो कि नॉर्मली बीट करवाने में हेल्प करता है। स्पेशलाइज सेल होते हैं ये हार्ट के अंदर में, नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करते हैं। मास ऑफ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा राइट एट्रियम के अप साइड में प्रेजेंट हैं ये। तो ये काम करते हैं, जब ये काम करना थोड़ा कम कर दे, फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम पेसमेकर एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे आज के आर्टिकल खत्म होते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।